So let's find out EMF induced in a coil rotating over its axis in a uniform magnetic field. ठीक है, तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है एंड द कॉइल इज लाइक दिस. तो अभी कॉइल का देखें, चलो बना लो पूरी कॉइल, सॉलिड कॉइल बना लो. तो वी कैन सी दैट द कॉइल हैज एन एरिया वेक्टर इन इधर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री है. पर अगर हम जनरल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, सो आई वॉन्ट दी एंगल टू बी सम थीटा. ओके, तभी हम जनरल फॉर्मूला निकाल पाएंगे. लेट्स सी वाई आई एम सेइंग दैट EMF इज इक्वल्स टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ पी इन टू ए. इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एरिया भी यूनिफॉर्म है ना, तो ये तो जीरो आ जाएगा. इसलिए हम चाहते हैं किसी रैंडम पोजिशन को, कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट क्वान्टिटीज जीरो आता है. तो अगर हमारे पास एक थीटा आ जाए यहाँ पे, तो वो जीरो नहीं होगा, तो हमें मूविंग कॉइल के हिसाब से आंसर लिखना चाहिए ना. सो द कॉइल इज मूविंग सपोज, तो एरिया वेक्टर ये है. मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर ये है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है. तो अगर मेरी कॉइल अभी स्ट्रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर ऐसे, अगर मैं हल्का सा ऐसे कर दूँ कॉइल को, ऐसे रोटेट कर दूँ, तो थोड़ा सा एंगल बन जाएगा मुझे मैग्नेटिक फील्ड के साथ. सो मेकिंग अनदर डायग्राम, हल्की सी रोटेट करा देता हूँ कॉइल में थीटा एंगल से, है ना. तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये थी, और अब हल्का सा रोटेट होने के बाद एरिया वेक्टर ऐसे आ गया. नॉर्मल को दोषिए आप, तो ये थीटा एंगल आ गया. तो इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर, वी हैव फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स होता था ना. तो फ्लक्स इस पॉइंट पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज थीटा. नाउ वी कैन राइट माइनस का बी इन टू ए, क्योंकि एरिया इज नॉट चेंजिंग, B is not changing, so we'll write d by dt of simply cos theta. Now minus का b a cos theta का sin theta minus में into d theta by dt. We know that d theta by dt जो होता है उसे बोलते हैं omega, minus minus plus, तो हो गया b a omega sin theta. Now in case the coil has n turns, then E is equals to n b a omega sin theta. ठीक है, ये आंसर आ गया. अब आपने कुत्ते को भौंकते देखा है कभी? तो कैसे भौंकता है कुत्ता? भाव भाव. तो ऐसे याद रख सकते हो, कुत्ते के भौंकने के साथ भाव sin omega sin theta. ऑब्वियसली यहाँ पे कुत्ता n टाइम्स भौंक रहा है, n भाव sin theta. However, I would rather write it like this, n b a omega sin theta की जगह omega t EMF. Very very important to write like this. Now there it is, now it is becoming important that we make a graph of this also. Let's write. So we have got EMF induced in a coil as n bhau sin omega t, and this actually forms the basis of AC generator, and this forms actually the basis of the next chapter in this unit, which is called alternating current, where one of the alternating current form is that current changes sinusoidally. So yeah, this is the EMF induction is sinusoidal. और इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? देखिए, साइन थीटा की तरह ये हो जाएगा मैक्सिमम ईएमएफ जब ओमेगा टी की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, 270 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम ईएमएफ एंड सो ऑन. सो थोड़ा ना साइनसॉइडल कर्व, ठीक है. तो जनरेटर की कॉइल भी तो ऐसी होती है, कॉइल की तरह मूव करती है मैग्नेटिक पोल्स के बीच में. तो ईएमएफ जनरेट जो होता है वो एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी जनरेट होता है. दैट इज द, अब इसमें आपको करंट भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हो ई बाय आर से. दैट इज एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर.
सो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट द करंट इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट। सो यहाँ देख लेंगे कि यहाँ पे ई मैक्स जो होगा वो होगा जब 90 डिग्री हो, तो एन बी ए ओमेगा दैट इज द वैल्यू फॉर ई मैक्स। एंड दैट इज वाई एनी टाइम टी, क्योंकि ये टाइम ओरिएंटेड है, टाइम डिपेंडेंट है, तो किसी भी गिवन टाइम पर हम लिखते हैं मी मैक्स को। अक्सर किताबें ई नॉट से दिखाती हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी ऐसे आता है जो ऑल्टरनेटिंग करंट में आएगा। और ये करोगे तो आई इज इक्वल्स टू आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वहाँ पे अब बताना नहीं पड़ेगा मुझे जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करूँगा कि ये आए कैसे, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट और भी तरीके के हो सकते हैं, जरूरी साइनोसॉइडली हो, डायरेक्ट फॉर्म में पल्सेटिंग भी हो सकता है, प्लस माइनस और स्ट्रेट लाइन हो, प्लस माइनस ऐसे भी हो सकता है। पर हम साइनोसॉइडली वाला करंट नॉर्मली पढ़ते हैं अपने यूनिट में, यूनिट नंबर 4 की सेकंड चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट में। वो कैसे आते हैं आप देख सकते हैं, व्हेनेवर अ कॉइल इज रोटेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड सच अ करंट एंड ईएमएफ आर इंड्यूस्ड।